सिंगरौली में मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों में बड़े स्तर पर अनियमितता देखी जा रही है। यहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही मास्क लगाकर मजदूर काम कर रहे हैं। नियम के विरुद्ध नाबालिगों से भी कार्य कराया जा रहा है। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। सिंगरौली के सरई तहसील में मनरेगा के तहत मजदूरों को नाले एवं तालाबों की खुदाई का काम दिया गया है, लेकिन जनपद पंचायत देवसर अंतर्गत दूधमनिया में सरपंच सचिव द्वारा जॉब कार्ड धारकों के साथ साथ 13 से 17 वर्ष के बीच के नाबालिग बच्चों से भी मनरेगा के तहत काम करवाया जा रहा है। जिन बच्चों के हाथों में कॉपी और किताब होना चाहिए, उनके हाथों में फावड़ा थमा दिया गया है, जिससे जिला प्रशासन की पोल खुलती नजर आ रही है। इसके साथ ही कार्य के दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही मजदूरों को मास्क दिए गए हैं। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने मजदूरों को काम देने के लिए मनरेगा योजना को तेज गति दी है। योजना के तहत हर जनपद में मनरेगा के तहत कार्य कराए जा रहे हैं, ताकि लॉकडाउन में श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। इसके विपरीत ज़्यादातर काम मशीनों द्वारा किया जा रहा है। मैं वार्ड मेंबर, ये तालाब निर्माण है, ये फरवरी माह से चालू था, बीच में बर्फ पानी बारिश होने के जेसीबी सर इसका खुदाई का काम किया है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। नाबालिग बच्चे 6 हैं। क्या नाम है आपका? कविता। पूरा नाम बताइए। कहाँ के रहने वाली हैं आप? कितने दिनों से यहाँ काम कर रही हैं? 5 दिनों से। आपको काम में कौन लगाया है? आपका कहाँ के रहने वाली हैं आप? दुनिया को। कितने दिनों से काम कर रही हैं आप यहाँ? आज बस आई हैं। आपको यहाँ काम करने के लिए कौन भेजा है? कोई नहीं। सरपंच सेक्रेटरी आए थे यहाँ काम पे आज देखने? सरपंच सेक्रेटरी आए थे यहाँ? कितने बजे आए थे? तुम्हारी उम्र कितने साल के हो तुम? 14 साल की हो। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।